Hey, what's up guys? Welcome back to my channel guys. So, आज की वीडियो में हम करेंगे अपने Asus Cap F15 का गेमिंग रिव्यू इन 2022. काफी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो यार लाइक जरूर कर देना. तो फटाफट से टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते अपनी वीडियो की तरफ. तो गाइस, जो पहले नंबर का गेम अपन जो टेस्ट करने वाले Asus Cap F15 के ऊपर, वो है RDR2. तो आपको मैं सेटिंग दिखा रहा हूँ, पर उससे पहले आपको रूम का टेम्परेचर यहाँ पे दिखा रहा हूँ. 28 हो रहा है, आप जैसे कि देख सकते हैं. दिन में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, तो आपको सेटिंग दिखा रहा हूँ जल्दी से मैं, फिर अपन बढ़ते हैं आगे. तो गाइस, जैसे कि आप ग्राफिक की क्वालिटी देख सकते हैं, मैंने क्वालिटी प्रीसेट लेवल कस्टम पे रख रखी है और अल्ट्रा कर रखी है उसे, जिसमें आपको ग्राफिक काफी अच्छे मिलेंगे और FPS भी काफी अच्छे मिलेंगे. देखते हैं अपन चलाकर गेम. तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा गेम यहाँ पर चालू हो गया है गाइस. तो देख लो आप, यहाँ पर अल्ट्रा सेटिंग के ऊपर जो प्रीसेट था, हमने इसको चला दिया यहाँ पर. तो आप देख सकते हैं 50-60 FPS आपको देखने को मिल रहे हैं और क्वालिटी ग्राफिक की बहुत अच्छी है. तो गाइस, अभी रूम में फैन ऑफ है और गर्मी भी काफी है, तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा है, 90 तक जा रहा है, विच इज ओके. कोई बड़ी बात नहीं है, इतने हैवी गेम को चलाने के लिए इतना चलता है. क्वालिटी बहुत अच्छी, ग्राफिक क्यों एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ. टेक्सचर देख सकते हो आप, तो भाई Asus Cap F15 बहुत अच्छे से चला लेता है इस गेम को. पहले मैंने एक बार टेस्ट किया था, तो आई थिंक उस टाइम इतना चला नहीं था ये गेम, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा था उस टाइम पे, शायद गेम में कुछ दिक्कत थी. पर अभी आप देख सकते हैं काफी अच्छी परफॉर्मेंस, 60 FPS देखने को मिल रहा है, प्लस इतने अच्छे ग्राफिक RDR2 में, और 8GB सिर्फ मेरे पास रैम है, तब भी मुझे इतना अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है. तो गाइज, अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट गेम की तरफ. और गाइज, सेकंड गेम जो है वो हम खेल रहे हैं FIFA 22 अपने Asus Cap F15 के ऊपर गाइज. तो इसका मैंने सेटिंग कर रखा हाई के ऊपर, अब देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलता है. मैंने आफ्टर बर्नर लगा दिया, तो ऊपर आप चेकआउट कर सकते हैं परफॉर्मेंस आ रही. और भाई आप देख सकते हो काफी अच्छा अभी टेम्परेचर वगैरह है कंप्यूटर का, लैपटॉप कंप्यूटर बोल रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा है अभी टेम्परेचर. 28 के रूम का फिर भी 90 के नीचे ही है टेम्परेचर. तो गाइज, आप देख सकते हो 100+ FPS अभी देखने को मिल रहे हैं. बट अभी रिसेंटली फीफा का एक अपडेट आया था नया, उसके बाद से FPS थोड़े से कम हो गए, वरना 110 FPS आराम से FIFA 22 में मिलते थे हाई सेटिंग के ऊपर. अब तो गोल करना ही पड़ेगा यार, ये पास ले रोनाल्डो लेकर. रोनाल्डो ने भाई एक और गोल कर दिया यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं. फीफा खेलने में काफ़ी मज़ा आता है, स्पेशली अगर आप कंट्रोलर से खेलते हो तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा फीफा के अंदर. और गाइस, हाई सेटिंग के ऊपर आपको फीफा में 100 तक FPS मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड. 8GB की रैम ही अपने पास Asus Cap F15 के अंदर. और आजकल आपको पता है सारे रैम की मोस्टली गेम की रिक्वायरमेंट होती है कि डुअल चैनल रैम चाहिए उनको चलाने के लिए, और हमारे पास अभी सिंगल चैनल ही है. एक और गोल करेंगे, ठीक है भाई, एक और गोल कर दिया हमने यहाँ पर. तो गाइस, आई होप आपको फीफा का भी आइडिया लग गया होगा कि फीफा कैसा चलेगा इस लैपटॉप के अंदर. तो अब चलते हैं अपन अपने तीसरे गेम की तरफ. गाइस, जो थर्ड नंबर का गेम है वो है आपका और मेरा, हम सबका फेवरेट GTA 5. तो हम GTA 5 को भी टेस्ट करते हैं. गाइस, गेमिंग रिव्यू हो GTA 5 नहीं हो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए मैंने GTA 5 को भी ऐड कर लिया यहाँ पर. तो ग्राफिक सेटिंग आपको मैं दिखा देता हूँ, हाई के ऊपर, वेरी हाई के ऊपर हम खेल रहे हैं GTA 5 को, जो आता है उसी के ऊपर हम चला रहे हैं GTA 5 को यहाँ पर. तो फटाफट से गेम चला लेते हैं यहाँ पर. अभी हमें 60 तक FPS आ रहे हैं वेरी हाई सेटिंग के ऊपर. बट मैं नोटिस कर रहा हूँ GTA 5 के अंदर FPS थोड़े से कम हो गए हैं अभी कुछ दिन से. क्या आप ये नोटिस कर रहे हो ये इशू, तो मुझे बताना. अपडेट्स आ रहे हैं GTA 5 के अंदर, बट फिर भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो नहीं पा रही है. तो अब चलते हैं अपन सिटी की तरफ, जहाँ पर हमें थोड़ा सा और आगे लग जाएगा. फिर भी 64 FPS तक मिल जाते हैं आराम से. वेरी हाई सेटिंग के ऊपर हम चला रहे हैं GTA 5 को, और सिंगल चैनल रैम है मेरे पास 8GB की बस. अभी और जाएंगे सिटी के अंदर तो और आगे लग जाएगा. डिमांडिंग एरिया में चलते हैं जहाँ पर थोड़ा भीड़ भाड़ रहती है, तो उसका और पता लग जाएगा. और गाइस, जितने भी गेम मैं टेस्ट करूँगा ना इस लैपटॉप के ऊपर, लैपटॉप का मोड परफॉर्मेंस के ऊपर ही रहने वाला है. तो आप देख सकते हैं गाइस, हम डिमांडिंग एरिया में आ गए, तो हमारे FPS थोड़े से बढ़ गए. यहाँ पर 65 देखे थे अभी मैंने, तो देख सकते हो काफ़ी अच्छे अभी इंप्रूवमेंट मिल रही है. तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है. आप गाड़ी से उतरते हैं यहाँ पर नीचे, और लैग स्कैटर कुछ महसूस नहीं हो रहा है यहाँ पर, एकदम स्मूथ चल रहा है गेम मेरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर. मुझे ऐसा लगता है अगर मैं 8GB की रैम और अपग्रेड कर लेता हूँ, तो मुझे इसमें आई थिंक 80 तक FPS आराम से मिल जाएंगे वेरी हाई सेटिंग के ऊपर, जिसमें भी गेम चल रहा है. तो अब मैं ठोक के देखता हूँ गाड़ी एक बार कितने कम होते हैं FPS. इसको ठोकते हैं यहाँ पर, कम तो नहीं हो और बढ़ गए FPS, क्या बात है, ये क्या बात हुई भाई. और अगर आप मीडियम या लो के ऊपर खेलेंगे, तो ऑब्वियसली आपको FPS काफी अच्छे मिलेंगे GTA 5 के ऊपर. हाई सेटिंग के ऊपर मैं सारे गेम इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप उससे कम करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा FPS देखने को मिलेंगे हर गेम के अंदर. इसलिए मैं आपको हाई के ऊपर खेल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मैक्सिमम सेटिंग है, इससे ऊपर आप जाओगे नहीं लैपटॉप के अंदर. हाँ, वो बात अलग है कि आप अगर ग्राफिक मोड वगैरह डाल लेते हो, तो उसमें थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम हो जाती है अगर आपके पास कम परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है तो. बट फिलहाल मेरा GTA 5 बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें. बट हाँ, एक अपडेट आया था कुछ दिन पहले, उसके बाद से थोड़े से FPS कम हो गए. कंसिस्टेंट FPS मिलना इस गेम के अंदर थोड़े मुश्किल है, क्योंकि आपको पता ही है भाई GTA 5
कि कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कब FPS आपके बूस्ट हो जाएंगे और कब कम हो जाएंगे, क्योंकि ये ओपन वर्ल्ड गेम है। तो गाइज आपको इसका भी आइडिया लग गया है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ अपने। तो गाइज हमारा नेक्स्ट गेम जो है वो है असैसिन क्रीड वैलहैला, जिसके अंदर मैं आपको मीडियम सेटिंग के ऊपर बेंचमार्क यहां पर चलाकर दिखाने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पर मीडियम सेटिंग है, तो अब अपन बेंचमार्क चलाते हैं, इसके अंदर अपनों को आइडिया लग जाएगा। ठीक है ओके, तो अपना बेंचमार्क यहां पर चालू हो गया है, तो अभी आइडिया लग जाएगा पूरा कुछ ही देर में। तो गाइस हमारा रिजल्ट आ गया है बेंचमार्क का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एवरेज FPS यहाँ पर 50 आए हैं, मिनिमम यहाँ पर 11 आए हैं और मैक्सिमम यहाँ पे 92 FPS आए हैं। बट एवरेज FPS अपने लैपटॉप के अंदर, जैसे कि आप मेरी स्पेसिफिकेशन वहाँ पर देख सकते हैं, तो मुझे 60 FPS आराम से मीडियम सेटिंग के अंदर वैलहैला के अंदर आ जाते हैं। और मैं अभी आपको गेम प्ले भी इसका थोड़ा सा खेलकर दिखा देता हूँ, ताकि आपको उससे आइडिया लग जाएगा। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा गेम यहाँ पर चालू हो गया है असैसिन क्रीड वैलहैला मीडियम सेटिंग के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है ग्राफिक वाइज। अभी तो कोई दिक्कत वाली बात इस गेम के अंदर अभी दिख नहीं रही है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है। बट टेम्परेचर आप देख सकते हो काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आई थिंक ये गेम ऑप्टिमाइज़ बिल्कुल नहीं है अभी, या मेरे पास जो अभी वर्जन है अभी ऑप्टिमाइज़ बिल्कुल नहीं है वाला। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सभी गेम्स के अंदर मेरा टेम्परेचर लैपटॉप का काफ़ी अच्छा रहा है, इस गेम के अंदर ही फ्लक्चुएट हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। और FPS आप देख सकते हो 50-55 तक FPS आराम से आ रहे हैं मीडियम सेटिंग के ऊपर। गाइज मैं ये गेम खेलता नहीं हूँ, बट मैंने इसे बस टेस्टिंग के लिए डाला इसके अंदर। गाइज आपको मैक्सिमम FPS इसके अंदर मिल जाएंगे मीडियम सेटिंग के ऊपर 60 तक, एंड मिनिमम आई थिंक 45 या 42 तक मिल जाएंगे आपको मिनिमम देखने को इस गेम के अंदर। तो आपको आइडिया लग गया होगा इस गेम का, तो अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस नंबर 5th पे हम खेलेंगे वेलोरेंट। तो गाइस आप देख सकते हैं वेलोरेंट की सेटिंग हाई के ऊपर है, आप यहाँ पे देख लो हाई सेट करा हुआ है पूरा, जो प्रीसेट है मैंने इसके अंदर कुछ नहीं किया है, क्योंकि ई स्पोर्ट गेम में ज्यादातर लोगों को FPS से मतलब होता है, ना कि ग्राफिक्स से मतलब रहता है। तो आइए इस गेम को फटाफट से चालू कर लेते हैं यहाँ पर। तो गाइस हमारा मैच यहाँ पर चालू हो गया है, अब चलते हैं। हट साले, एक को तो मार दिया मैंने, उसने मुझे मार दिया। लो गाइस मैंने कुछ ही दिन पहले इसका रिव्यू किया था, तो आप जाकर देखना तब का गेम प्ले और अभी का गेम प्ले, मेरा गेम काफ़ी इंप्रूव हुआ है। और आप देख सकते हो हाई सेटिंग के ऊपर अपने को वेलोरेंट के अंदर मिल रहे हैं 144 तक मैक्सिमम FPS अभी तक मैंने देखे हैं इसके अंदर, और 130 मिनिमम आ रहा है, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई। हट साले, ये भी गया। यार बहुत अच्छा खेलने लग गया मैं तो वेलोरेंट, मज़ा आ गया आज तो। गाइज आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि वेलोरेंट भी कैसा चलता है 2022 के अंदर अपने लैपटॉप के ऊपर, एसुस्कैप F15 के ऊपर। भाई दो गए एक साथ, और अगर आपको इसका फुल रिव्यू देखना है तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो, वीडियो को लिस्ट को चेकआउट कर लेना, आपको दिख जाएगी वहाँ पर वेलोरेंट की वीडियो। और सर्च भी कर सकते हो द अनबॉक्स लिख कर वेलोरेंट लिख देना, तो आ जाएगा वीडियो वहाँ पर ऊपर ही। गाइज सभी गेम्स को हाई सेटिंग पर खेलने का रीज़न मेरा ये है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाईएस्ट के ऊपर कैसा चलेगा। लोवेस्ट के ऊपर तो सबको पता है कि अच्छी परफॉर्मेंस दे गई निकाल के और भी हम कुछ सेटिंग कर सकते हैं, बट हाईएस्ट के ऊपर रहता है मेन काम कि अपना लैपटॉप कहाँ तक खींच सकता है उसको। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस नंबर 6 के ऊपर जो गेम खेल रहे हैं उसका नाम है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, तो इसको भी अपन ट्राई करते हैं। वैसे गाइस मैंने इस गेम का फुल रिव्यू किया जिसके अंदर मैंने सारी सेटिंग आपको बताई है, तो आज मैं इस गेम को खेलूंगा लो सेटिंग के ऊपर, क्योंकि वही सबसे अच्छी है मेरे हिसाब से। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो, ग्राफिक चाहिए तो, मैंने उस वीडियो के अंदर बताया आपको क्या सेटिंग आपको रखनी है। गाइस देख सकते हो गेम अपना चालू हो गया, और वैसे लो सेटिंग के ऊपर भी काफी अच्छे ग्राफिक्स गेम के अंदर हमको देखने को मिल रहे हैं। और ये देख लो गॉड ऑफ वॉर का जो एक्टर उसकी शक्ल का है, उसके अंदर जो प्लेयर रहता है। चलो नीचे चलते हैं, झूलेंगे हम नीचे जाकर। ओ भाई गुंडे लोग आ गए, क्या क्या आ गया इसके अंदर यार। मुझे तो गिरा दिया भाई इन लोगों ने। फाइटिंग बहुत अच्छी, मूव्स बहुत अच्छे करता है इस गेम में, फाइटिंग मूव्स अच्छे हैं इस गेम के। ओ भाई मेरा तो गेम ओवर हो गया यहाँ पर। तो गाइज आपको आइडिया लग गया होगा इस गेम में आपको लो सेटिंग के ऊपर 60 तक FPS देखने को मिल जाएंगे, तो आप इस गेम को भी आराम से इंजॉय कर सकते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर। और इसका मैंने फुल रिव्यू भी किया है, तो आप वहाँ पर जाके देख लेना, आपको सारी सेटिंग मैंने बताई है, आप वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइज अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। सो गाइज जो हमारा नेक्स्ट गेम है वो है PUBG PC, इसको अपन टेस्ट करेंगे हाई सेटिंग के ऊपर। तो मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ, फिर एक गेम प्ले लगाते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हो सेटिंग पूरी यहाँ पर हाई सेटिंग के ऊपर गेम हमारा चलने वाला है।
तो बेक करता हूँ फटाफट से एक मैच लगाता हूँ। सो गाइज हमारा गेम यहाँ पर चालू हो गया है और आप देख सकते हो हाई सेकंड के ऊपर मुझे 70-80 तक FPS देखने को मिल रहा है PUBG PC के अंदर। पहले मैंने इस गेम का एक रिव्यू किया था, उसके अंदर मुझे 60 FPS मिल रहे थे, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था उस गेम पे, बट अभी मुझे काफी अच्छे FPS इस गेम के अंदर देखने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छा चल रहा है गेम, तो भाई बहुत स्मूथ चल रहा है। 65 से लेकर 70-80 तक FPS आपको आराम से देखने को मिल रहा है इस गेम के अंदर। आ रहा है क्या ऊपर आवाज आ रही है मुझे? फर्स्ट पर्सन के अंदर भी चलता है ना, तो एक नंबर चल रहा है भाई। ग्राफिक आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहा है गेम के, बहुत अच्छे ग्राफिक लग रहे हैं, कोई कमी नहीं ग्राफिक के अंदर। और टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है इसके अंदर, 90 से नीचे ही है। इतनी गर्मी में और फैन ऑफ है जैसे कि आपको बताइए रूम का, आप इस सिचुएशन में नहीं खेलोगे गेम ऑब्वियसली। तो गाइज बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। मैंने Asus Scuf F15 का गेमिंग रिव्यू कर दिया 2022 वाला, तो आपको आइडिया लग गया होगा कौन कौन से गेम्स आप किसी सेटिंग पर खेल सकते हैं, आपको किसी परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलने वाली है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना गाइज, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी यार, तो लाइक कर देना, काफी मोटिवेशन उससे फील होगा मुझे। और अगर चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको इसी तरह का कंटेंट इस चैनल पर देखने को मिलता है गाइज। और मैं मिलता हूँ गाइज आपसे इसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय, टेक केयर गाइज।